साथियों, पहले की जीवन शैली बड़ी सहज थी और अनुभव ने हमें सिखाया था कि बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़, सूखे आपदाओं से कैसे निपटा जाए। इसलिए स्वाभाविक तौर पर सरकारों ने भी हमारे यहां आपदा राहत को कृषि विभाग से ही जोड़ करके रखा था। भूकंप जैसी गंभीर आपदाएं आती भी थी तो स्थानीय संसाधनों से ही ऐसी आपदाओं का सामना किया जाता था। अब दुनिया छोटी हो रही है, एक दूसरे के अनुभवों से सीखकर निर्माण की तकनीकों में नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर आपदाओं का प्रकोप भी बढ़ रहा है। पुराने जमाने में पूरे गांव में एक वैद्यराज सबका इलाज करते थे और पूरा गांव स्वस्थ रहता था। अब हर बीमारी का अलग डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार डिजास्टर के लिए भी डायनेमिक व्यवस्था विकसित करनी होगी। जैसे पिछले 100 साल के आपदा के अध्ययन से जोनिंग की जा सकती है कि बाढ़ का लेवल कहां तक हो सकता है और इसलिए कहां तक निर्माण करना है। समय के साथ इन मापदंडों का रिव्यू भी होना चाहिए, चाहे मटेरियल की बात हो या व्यवस्थाओं का।